जड़ भरत जी का पावन चरित्र आया, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए जड़ भरत जी के पिताजी, जिनका नाम श्री ऋषभदेव जी। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तस्त्र दुर्लभम। भागवताकार कहते हैं, भैया जिस प्रकार विषयी पुरुष भोगी पुरुष रात्रि में भोग भोगता है, उसी प्रकार योगी पुरुष रात्रि में जागकर योगेश्वर श्री कृष्ण को पाने का प्रयत्न करता है। और ऐसे ही ऋषभदेव जी हुए परम भगवत भक्त। तस्याम जागृति संयमी, बड़े संयमी हुए। ऐसे महापुरुष हुए कि आपने अपने पुत्र भरत को राजा बनाया और साफ छोड़ छाड़ करके ठाकुर जी की भक्ति में लग गए। मन मतंग माने नहीं जब लगी धक्का ना खाए, ये मन तब तक नहीं मानता जब तक धक्का ना खा जाए। एक बात और बोले करोड़ों की, बैठकर सुनो, करोड़ों की बात है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, बालू की भीट धुआं को मंदिर, बालू की भीट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कवे निवई है, और तुम राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप का धूल दई है। ऐसे ही महापुरुष श्री ऋषभदेव जी भय, आप महात्मा बन गए, आपके सामने अर्माधिक सिद्धियां प्रकट भई, पर सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। आपने सोचा अगर हम सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भगवत भक्ति छोड़ देंगे। मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे सो किस्मत उनकी फूटी। हाँ, तो बड़े महापुरुष कहते हैं, भैया मान बढ़ाई के चक्कर में ना पड़ो, बोलो सीताराम। क्योंकि जब जब मान बढ़ता है ना तो राम नाम का भजन छूट जाता। हमारे दादा गुरु जी एक और बात बोलते थे, वो कहते थे जितना नाम बढ़वे, जितनी कीर्ति बढ़वे, उतनी ज्यादा माला जाप करना प्रारंभ कर देना, कभी पतन नहीं होगा। तो ऋषभदेव जी, आपसे ही जैन धर्म प्रारंभ हुआ, ऋषभदेव जी से। तो जब सिद्धियां सामने आने लगी, लोग पीछे पड़ने लगे, तो आप गंदगी लगाकर शरीर में यत्र तत्र घूमने लगे ताकि लोग हमें पागल समझे। और बहुत से लोग हमें पत्र भेजते, महाराज जी आप पागल क्यों कहते? पागल कहने का क्या अर्थ है? पागल का अर्थ है, पागल का उल्टा करो जरा, क्या होता है? लग पा, प्रभु के चरणों में लग जा वही पगला। पागल का एक अर्थ और है, जो प्रभु को पाकर गल जाए वही पागल। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे तो हम पागल ही अच्छे हैं। तो पागल बन गए, पागल बन गए। तो जो लोग पूजा पाठ करने, सिद्धि प्राप्त करने, आपसे चमत्कार के चक्कर में जुड़ने वाले थे, वो सब भाग गए और भरत जी राजा बन गए। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। एक मृगा के संग के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं, उनकी कौन गति जो घर घर प्यार करत फिर रहो। हाँ,
भरत जी राजा बने, आपके 100 पुत्र हुए। आप राजा बने तो राजा बनकर के आपने बड़े पुत्र को राजपाट दिया, राजपाट देकर देकर के आप भी पिता की भांति 12 ही पुत्र पिता के धर्मा, आप भी वीतराग बन गए। वन में एक जगह आश्रम बनाकर रहने लगे, कुटिया में रहते थे। एक दिन भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। अर्घ देते देते एक सिंह ने दहाड़ लगाई। सिंह की दहाड़ सुनकर भरत जी के बगल में एक मृगी जो गर्भवती थी वो जलपान कर रही थी। दहाड़ सुनकर वो मृगी गर्भवती भागी और नदी को छलांग मारकर पार करना चाहा, लेकिन मध्य में ही उसका गर्भपात हो गया। गर्भ गिर गया और वो उस पार जाकर के मर गई। आपने उस नन्हे से शावक को देखा, सोचा अगर ये हम अभी नहीं बचाएंगे ये मर जाएगा। नन्हे से मृगी के शावक को आप आश्रम ले आए भरत जी। अब देखो सेवा का धर्म तो यहां पूर्ण हो गया, पर अब देखो मोह कितना विचित्र होता। आप उस मृगी के बच्चे को सहलाने लगे, दूध पिलाने लगे, आश्रम में रखने लगे। एक दिन धीरे धीरे वो है मृगी का शावक बहुत बड़ा हुआ और सजातीय पशुओं के साथ भाग गया, अपने पशुओं के और मृगों के साथ भाग गया। आप 2 दिन तक खोजते रहे, जब नहीं मिला तो मृगी के शावक के प्रेम में आपने प्राण त्याग दिए। तो एक मृगा के संगते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते सने। उनकी कौन गति, वो मृग का शावक भाग गया, भरत जी ने प्राण त्याग दिए, तो दूसरा जन्म भरत जी का मृग हुआ, मृग बनकर प्रकट भए। आहा, लेकिन ध्यान नहीं भूले, तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर भर हुआ भरत जी का। 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई, 2 बार तो गलती हो गई, अब भरत जी ने निर्णय ले लिया इस बार भूल नहीं करेंगे, भगवान का भजन ही करेंगे। पिताजी परिवार खूब कहता रहा कर्मकांड सीखो, पूजा पुराण पाठ सीखो, लेकिन भरत जी नहीं सीखे, भगवान के भजन में मस्त रहे। बोलो वृंदावन लाल की जय। जो भीतर बैठे तुम्हारे भाग्यशाली हो, उनकी पूछो जो बेचारे बाहर 3 घंटे 4 घंटे से खड़े हुए, एक बार उनके लिए जरूर ताली बजाओ, ये असली श्रोता है। जो बाहर खड़े हैं जिन्हें बैठने नहीं मिला अगल बगल में, ये असली श्रोता हैं बागेश्वर धाम के, कि चाहे जो हो जाए पर कथा ना छूटने पावे। अब तुम्हें 1 घंटा खड़ो कर दो जाए सो मुंह से मिस कॉल सी मार हो, तनाग्रे में भग जाओ कि हो गई कथा। पर धन्य है दिल्ली वासी, धन्य है दिल्ली के भक्त, धन्य है दिल्ली पर ठाकुर का रंग। वैसे भी दिल्ली का एक नाम है इंद्रप्रस्थ नगर, पूर्व का नाम था इंद्रप्रस्थ नगर, पांडवों की नगरी है। यहां पर भगवान स्वयं कृष्ण आए, उसका प्रताप यह है कि दिल्ली में भगवान कृष्ण भक्ति अद्भुत है। एक बार जोर से ताली सब श्रोताओं के लिए, अद्भुत है अद्भुत। हम तो पहले भी बोल चुके दरबार में, फिर बोलते हैं, हमारा तो अब कई बार मन हो रहा कि यहां कथा करते रहना चाहिए। हाँ, अगली बार फिर आएंगे, अब अगली बार राम कथा सुना भी। अब कब आएंगे ये पक्का नहीं है, पर आएंगे। हो गए भव से पार,
सुनाए एक भाव। भरत जी फिर बाद में तीसरे जन्म में इनका नाम पिताजी ने जड़ भरत रखा और भगवती भद्रकाली के इन्हें साक्षात दर्शन हुए और राजा रहुगढ़ को इन्होंने उपदेश दिया और इनका आत्म कल्याण हुआ। इस कथा से सीख मिलती है कि अंत समय में भगवान का नाम कैसे भी लेना चाहिए।